हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है थोड़ी सी हटके। इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट जिसमें कि प्रोटीन भी है और टेस्ट भी है। लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रोटीन की चीज खाएंगे तो उसमें टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी डाइट में जो चीजें शामिल करती हूँ और मैंने बहुत टेस्टी बनाई है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और देखिए, मैं पहला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अंकुरित मूंग का। ये मैंने अंकुर निकाल लिए थे इसको भिगो के, और वैसे भी खा सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको थोड़ा बॉयल्ड कर रही हूँ। बॉयल्ड करने से क्या है ना, थोड़ा सा मूंग और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ये खाने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो मैंने इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाया है। देखिए मैं कैसे इसको तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने अपने पसंद की बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। अंकुर मूंग तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अनारदाने डाले हैं, और ये प्याज टमाटर थोड़ी गाजर भी डाली है। सीजनल में आप जो भी आपको पसंद हो आप इसमें मिला के खा सकते हैं। तो ये मूंग हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन्स भी हैं और फाइबर भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। तो बड़े और बच्चे सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं खा के। तो मैं तो हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के थोड़ी थोड़ी शरीर में कमी हो जाती है उम्र के साथ साथ, तो उन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमें इस तरह के ब्रेकफास्ट ज़रूर खाने चाहिए और बनाने भी चाहिए। बहुत ज़्यादा ईजी भी है, आराम से भी बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें काट दिया है फ्रूट, तो आपकी इच्छा है जैसे जैसे आप खाना चाहें वैसे आप खा सकते हैं। तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देखिए देखने में भी कितना अच्छा लुक दे रहा है। और अभी मैं दूसरा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ चुकंदर को लेके। चुकंदर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, तो उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। देखिए पनीर है, गोभी है, प्याज और हरी मिर्च, थोड़ी सी गाजर भी ली है। तो आज इसका मैं बनाऊंगी स्टफ्ड पराठा। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। चुकंदर में तो आप लोगों को पता ही है कितने ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और ये कैंसर को भी रोकता है। और इसको डेली अपनी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। ये ब्रेन को एक्टिवेट भी रखता है, तो इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो मैं आज इसका बना रही हूँ पराठा। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, और उसको करने के बाद मैंने इसका गूंदा है आटा। तो थोड़ी अजवाइन डाली है, थोड़ा नमक भी डाला है, हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया है सॉफ्टनेस के लिए। तो आप जैसे मर्जी है ऑयल डालें ना डालें, आपकी इच्छा है। तो देखिए मैंने इस तरह से चुकंदर डाल के इसमें आटा गूंद लिया है। देखिए कलर भी कितना ज़्यादा प्यारा आया है और चुकंदर भी पूरा हमारे अंदर चला जाएगा। तो मुझे तो ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हफ्ते में इस पराठे को ज़रूर खाती हूँ और कभी खाली नहीं खाती। इसमें बहुत सारे स्टफिंग कर लेती हूँ तैयार, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। हम बड़े तो खा ही लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनको भी आप इस तरह से चुकंदर का पराठा बना के खिला सकती हैं। ये देखिए मैंने अब तैयार की है स्टफिंग। इसमें मैंने थोड़ी सब्जियां भी डाली हैं, पनीर भी डाला है और एक गाजर भी घिस के डाल दी है। तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो आप सोचिए खाने में कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने जो अपनी थोड़ा नमक मिर्च वगैरह जो भी है आपको अपने हिसाब से इसमें मिला लें। और ये मैं बना रही हूँ पराठा इस तरह से स्टफिंग का। तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये जो आपको ब्रेकफास्ट में बता रही हूँ ये मैं अपनी डाइट में शामिल करती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप भी पराठा बना के खा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे पेट के अंदर चली जाएंगी और इस तरह से हमारी सेहत भी सही रहेगी। और जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ने लगती है, खासकर महिलाओं में किसी न किसी चीज़ की कमी हो ही जाती है, तो हमें बहुत सी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो मैं तो अक्सर क्या करती हूँ, घर में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और शॉर्ट्स वगैरह ही बनाती हूँ, वो भी आप देखते ही होंगे कि कुछ ना कुछ मैं अपना बनाती हूँ उसको मैं खाती हूँ। मैं तो बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। इसमें सब्जियाँ भी हैं और चुकंदर भी चला गया, थोड़ा सा आप इसको किसी के साथ भी ले सकते हैं, मैंने दही के साथ लिया है। और ये पराठा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको तो आप ज़रूर ही ट्राई कीजिए। और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नेक्स्ट ब्रेकफास्ट। तो ये चने भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं तो कच्चे चने भी खा लेती हूँ और अभी मैंने भिगोए हैं, थोड़ा इनको बॉयल्ड किया है
और चने के साथ मैंने लोबिया भी डाला है। तो दोनों चीज़ें मैंने बॉईल कर ली हैं और देखिए मैं ये तैयार कर रही हूँ इसमें डालने के लिए। मैंने थोड़ी मटर भी ली है ग्रीन, वो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें मिक्स करने के लिए मैंने खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च वगैरह सब काट के रखी हुई थी, वो मैं सारी इसमें देखिए मिला रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नींबू भी डाल दिया है। और चने में आपको पता ही है बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इससे हमारा हीमोग्लोबिन भी अच्छा बना रहता है। और देखिए टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी भुजिया भी डाल दी है और काला नमक, चाट मसाला वगैरह मैंने इसमें डाला है। और आयरन तो भरपूर मिलता ही है, तो ये डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। चने तो सभी के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रोटीन भी इसमें भरपूर पाया जाता है, विटामिन ए और ई भी होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। मैंने इसमें ली हैं दो तरह की दालें, धुली हुई मूंग ली है और मैंने मसूर की दाल ली है। दोनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। रात भर ना भिगोएं तो आप 2-3 घंटे में ही भीग जाती है बहुत आराम से। तो इसका चीला तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ये भी मैं हफ्ते में एक बार अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करती हूँ क्योंकि हमें दालों से मिलता है पूरा भरपूर प्रोटीन। और देखिए इस तरह से भिगोने के बाद मैंने दाल को पीस लिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, नमक वगैरह भी डाल दिया है साथ के साथ ही। चीला तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन फिर भी जो है मैं, अब सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो मैंने कुछ स्टफिंग करके ही इसको बनाया है स्टफ्ड चीला। तो इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है देखिए बारीक, और इसको निकाल के मैंने इसमें थोड़ा सा मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मूंग की दाल में बहुत सारे गुण होते हैं, उनके साथ साथ ही चीला टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और चीला तो हम बड़े और बच्चों को ज़रूरी खाना चाहिए क्योंकि मूंग की दाल और दालों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, ये हमारी पाचन क्रिया को भी ठीक रखती है। देखिए मैंने चीला बना रही हूँ और स्टफिंग के लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें ली हैं। तो चीला अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो स्टफिंग से हम अगर बनाएंगे इसको तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को मिल जाएंगी। और मूंग की दाल में ट्रेस मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को भी टाइट रखते हैं। ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप बच्चों को देंगे तो बच्चे वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है मूंग दाल में, और बहुत मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम भी पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप भी चीले को बनाइए और खाइए और खिलाइए और एंजॉय कीजिए, और बहुत सारे गुण हैं जो आपको मिल सकते हैं इससे। तो मैंने इस तरह से इसको तैयार किया है और मैंने इसको सर्व किया है चटनी से और सॉस से। तो सॉस तो मैं कम खाती हूँ, मेरे को चटनी ज़्यादा पसंद है, और इसके प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से सीख जाता है। और देखिए देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखिए मेरी नेक्स्ट प्रिपरेशन है साबूदाने को लेके, और मैं बना रही हूँ साबूदाने की टिक्की, क्योंकि हफ्ते में हम एक दिन तला भुना आराम से खा सकते हैं, थोड़ा चीट डे भी हो जाता है और हमारा स्वाद भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की टिक्की। ये मैंने साबूदाना 4-5 घंटे के लिए भो के रख दिया था, सभी लोग बनाते हैं लेकिन फिर भी सबका तरीका अलग अलग होता है। और ऐसा नहीं है साबूदाना कोई गलत चीज़ है, साबूदाने में भी एनर्जी वगैरह पाई जाती है क्योंकि व्रत वगैरह में भी लोग खाते हैं इसको। तो मैंने इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें कई सारी चीज़ें, मसाले वगैरह डाले हैं और आलू बॉयल करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद मैं इसकी टिक्की बना रही हूँ, और मैंने साबूदाने की टिक्की का पूरा एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, तो प्रमला ब्लॉग्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये टिक्की खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मेरे यहाँ तो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने आपको जितने भी ब्रेकफास्ट बताए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेरा ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मैंने ये टिक्की को डीप फ्राई नहीं किया है, मैंने इसको शैलो फ्राई किया है इस तरह से, आराम आराम से सेक के मैंने, कितनी मतलब बढ़िया लग रही है देखने में और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप सब लोगों ने खाई होंगी, तो संडे का दिन है तो संडे में तो चीट डे हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट में ये सब शामिल किया है, मैं भी खा रही हूँ, घर में सभी लोग खा रहे हैं और हम सभी संडे को कर रहे हैं कुछ इस तरह से इंजॉय। और अगर आपको ये ब्रेकफास्ट इनकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी फॉलो कीजिए, और आप बताइए कि आपको कौन सी डिश मेरी, मतलब कौन सा ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।